हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो बच्चे होंगे। वीडियो की शुरुआत इस बिस्कस प्लांट से। गाइस, आज मैं अपने इस वीडियो में कुछ परमानेंट फ्लावर प्लांट और उनके नाम बताऊंगी, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और आप उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करके उसकी केयर टिप्स जान सके। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये परमानेंट फ्लावर प्लांट है, हमेशा रहता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये हिबिस्कस प्लांट, हिबिस्कस वेराइटी है, जिसे कि मिर्च हिबिस्कस कहा जाता है। इसके पत्ते जो नॉर्मल हिबिस्कस होते हैं उस तरीके के नहीं होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं, पतले पतले, लंबे लंबे, ज़्यादा पतले भी नहीं होते। और इसके फूल जो होते हैं वो सुर्ख लाल और कम ये खुलते नहीं हैं, इसीलिए इसके खूबसूरत कलर की वजह से इसको मिर्च हिबिस्कस कहा जाता है। इसमें बंचेस में फूल आते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्लूमिंग करता है ये प्लांट। ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए मैंने देखिए सभी प्लांट के बीच में इसे छुपा के रखा है ताकि ये अच्छे से सर्वाइव करता रहे और ग्रो करता रहे। कटिंग की बात करें, इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी मेच्योर कटिंग न लेकर पेंसिल इतनी मोटी लेकिन हरी वाली कटिंग इसकी बहुत ही जल्दी चल जाती है। तो ये थी इस प्लांट के बारे में कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं गाइस। ये जो प्लांट आपके सामने है, ये है गंधराज का प्लांट। इसके फूल देखिए कुछ इस तरीके के और कलियां इस तरीके की होती हैं। इनके पत्ते देखिए इस तरीके से होते हैं, थोड़े से गोल टाइप। और ये भी परमानेंट फ्लावर प्लांट है, लेकिन ये फ्लावरिंग समर के टाइम में ही करता है। जब विंटर ख़त्म हो जाता है, मई अप्रैल ऐसे करके टाइम आता है, तब तो इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। इस प्लांट को कटिंग से लगाया जाता है और इसकी पेंसिल इतनी मोटी कटिंग आप लेकर साइड में ग्रो करें तो ये चल जाता है। इसे भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। सेटी प्लेस में या पेड़ों के झुंड में आप इसे रखें, बड़े पेड़ के या वृक्ष कह लीजिए उसके नीचे रखे, तो ये बच जाता है और अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अगर इसे तेज धूप मिलती रहे तो इसकी कलियां कभी कभी बड़ी होने के बावजूद भी काली पड़ के गिर जाती हैं और ये खराब हो जाती हैं। अगला जो मेरा ये वाला हिबिस्कस है, हिबिस्कस ये रेड वाला नहीं है, इसके फूल अभी तो नहीं आए हैं। इसके फूलों का रंग हल्का ऑरेंज होता है, तो इस वाले हिबिस्कस को भी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। जो रेड वाली वेराइटी होती है, बाकी उसको छोड़कर जितने भी हिबिस्कस प्लांट होते हैं उन्हें धूप पसंद होती है, पर पूरी धूप नहीं, मतलब दिन की जो मई जून जुलाई की तेज़ धूप होती है वो नहीं चाहिए। हिबिस्कस प्लांट को आप पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं, ये अच्छे से चलते हैं, लेकिन इसे थोड़ी सी शेडी प्लेस में रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड गाइस, ये देखिए गुलाब खिला हुआ है, तो गुलाब के प्लांट को सभी जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, तो इसको भी दिखा देती हूँ, इसके फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगला जो परमानेंट प्लांट है वो है ये पर्पल हार्ट। इसको भी अच्छी धूप अच्छी लगती है, मतलब ज़्यादा धूप तो नहीं चाहिए, ज़्यादा धूप मिलने से इसके जो पत्ते होते हैं उनके कलर काफ़ी फेड हो जाते हैं, तो आप इन्हें सेडी प्लेस में रखिए। और फूल की बात करें तो इनमें हल्का पिंक कलर का छोटे छोटे फूल आता रहता है, बंचेस में आते हैं, बंच में दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए स्पेंट हो गए हैं, तो इस तरीके से गुच्छों में फूल आते हैं और एक के बाद एक फूल खिलते रहते हैं। इसे कटिंग से लगाया जाता है, ये शो पीस प्लांट भी आप इसे कह सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी कंटेनर में ये आसानी से लग जाता है और अच्छे से सर्वाइव भी करता है। अगला जो मेरा फ्लावर प्लांट है वो है कनेर। इसमें भी बंचेस में फूल आते हैं। ये छोटा वाला मेरा प्लांट है, मैं आपको दिखाती हूँ बड़ा वाला अभी। इसकी भी केयर बहुत ही आसान होती है, इसे आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी बंच में फूल आते हैं, इसके फूल बहुत कलर के होते हैं। ये जो मेरा है इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं, तो चलिए फिर दिखाते हैं इसके फूल। ये देखिए इसके फूल कितने ज़्यादा खूबसूरत और बंच में आए हुए हैं। अगला जो मेरा फ्लावर प्लांट है वो है एक्जोरा। एक्जोरा की भी बहुत सारी वैरायटी और प्लांट होते हैं। इसके पत्ते के आधार पे इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं ये मीडियम वैरायटी है, इसे छोटे पत्तों वाली आती है और एक आती है जिसकी पत्ते की साइज आम के पत्ते की इतनी बड़ी होती है। इसमें भी बंच में फूल आते हैं और ये विंटर स्टार्ट होने से पहले भी इन पे फूल आते हैं और समर में भी आते हैं। तो विंटर स्टार्ट होने से पहले जब फूल आते हैं तो वो तकरीबन एक एक महीने तक टिक जाते हैं और इस पे ये वाला प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन अगर आप अपने गमले में आयरन की क्वांटिटी अच्छी बनाकर रखेंगे तो एक डोरमेंसी में नहीं जाएगा, यानी आपका कोई भी ऐसा डिब्बा जो कि आयरन का है और उसमें जंग लग गया है तो आप उस डिब्बे को इसकी मिट्टी में तोड़ फोड़ के मिट्टी में दबा देंगे तो ये इसमें कभी भी डोरमेंसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा और
ये देखिए इस पे बंच में इस तरीके से छोटे छोटे पहले कलियां आती हैं, उसके बाद इस तरीके से फूल आते हैं और देखिए इधर भी आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और मुझे खासकर ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।